Debating in Parliament over the National Herald case, Ghulam Nabi Azad has said that ever since the government got the mandate to rule, the agenda has changed from Congress Mukt Bharat to Opposition Free India. आज ही हमारे एक मेंबर पार्लियामेंट टीएमसी के हैं, उनके फादर एडिटर मालिक हैं उर्दू पेपर के, उनको उठा के ले गए। तो इस तरह का वातावरण भय, ये जो हो रहा है एक डेढ़ साल से, वेंडेटा, पॉलिटिकल वेंडेटा। एक वक्त में नारा तो लगा था इलेक्शन के वक्त में कि रूलिंग पार्टी जो आज है ये भारत, कांग्रेस मुक्त भारत चाहती है, लेकिन मुझे लगता था कि वो एक इलेक्शन मैनिफेस्टो था, इलेक्शन जीतने के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया था। तो शायद सरकार बन गई, अब डेवलपमेंट की तरफ हम जाएंगे, विकास की तरफ जाएंगे, गरीबी हटाने की तरफ जाएंगे, नए कार्यक्रम आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उस एजेंडे में और बढ़ोतरी हुई है। अब सिर्फ कांग्रेस मुक्त नहीं बल्कि विपक्ष मुक्त भारत की बात चल रही है। इस सरकार ने किसी के खिलाफ नजायज कोई कार्रवाई नहीं की है। कल समाजवादी पार्टी के खिलाफ थी या बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ थी तो वो कांग्रेस के जमाने में होता था, हमने कोई कार्रवाई नहीं की। आज जो प्रक्रिया है, आज जो प्रक्रिया है कि एक गंभीर मामला कांग्रेस पार्टी के नेताओं के प्रति आया है, ये सरकार ने नहीं उठाया, ये न्यायपालिका ने उठाया है। एक राजनीतिक दल राजनीतिक पर्पस के लिए पैसा इकट्ठा करे और किसी व्यवसाय के लिए उसको इस्तेमाल करे, न्यायपालिका इसको सहकना चाहती है। ऐसे विषय का उत्तर देना है तो कोर्ट के सामने जाकर जवाब दीजिए। कोर्ट ने आपको समन किया है, सरकार ने तो आपको समन नहीं किया। पावर्ड बाय NNIS।